तो भाई ये है लेटेस्ट पिक्सल प्लस यूआई का 5.2 ऑफिशियल एंड्रॉयड 13 अपडेट मी 11X एंड पोको F3 के लिए। अब मैंने इसको पूरा टेस्ट कर लिया है एंड जो भी मेरे ओपिनियंस हैं इस रोम के रिगार्डिंग वो इस वीडियो के अंदर आपको मैं शेयर करूंगा और गेमिंग वगैरह सभी चीज़ों के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले सेटिंग्स में चलेंगे और ये आपको यहाँ पर वर्जन 5.2 मिलेगा। डिवाइस अलॉयथ है, ऑफिशियल अपडेट है और यहाँ पर आपको जनवरी 5 2023 का लेटेस्ट एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा एंड इमेंसिटी एक्सकर्नल रोम के अंदर मिलता है जनवरी 14 से अपडेटेड एंड बिल्ड डेट भी जनवरी 14 आपको मिलती है और सिनलेक स्टेटस आपका यहां पे एनफोर्सिंग है। तो सबसे पहले डिवाइस आपका सर्टिफाइड है, वाइडबैंड L1 आपको मिलेगा, गूगल फोटोज में आपको स्पूफिंग देखने को मिलेगी और ये चार्जिंग स्पीड है 33 वॉट से, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। और जब मैंने रोम को नॉर्मली यूज किया तो जो कंजप्शन है आप यहां पे एक्टिव ड्रेन एंड आइडल ड्रेन देख सकते हो, डीप स्लीप वर्किंग है और ये आपको सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ मिलेगा जिसमें सीपीयू बिल्कुल भी थ्रॉटल नहीं करता और ये तो स्कोर्स हैं ऑलमोस्ट 14,000 के आसपास आपको मिलेंगे और ये Geekbench 5 के स्कोर्स आप चेक कर सकते हो एंड वाई लाइफ टेस्ट के अंदर जो स्कोर्स हैं वो ये देखने को मिले हैं। बाय द वे मैंने बेंचमार्क्स को रन करने के लिए ना थर्मल प्रोफाइल्स को यूज कर लिया था जो आपको बैटरी सेक्शन में मिलेंगे। इस रोम में ना आपको पिक्सल लॉन्चर मिलता है एंड पिक्सल लॉन्चर के अंदर बिल्कुल लेटेस्ट आपको एट अ ग्लांस के फीचर्स देखने को मिलेंगे सबके सब। अगर आप देखोगे पार्सल डिलीवरी का ऑप्शन है, टॉर्च का ऑप्शन है, अर्थक्वेक अलर्ट वगैरह और यहाँ पे न्यूज़ वगैरह भी ये शो करता रहता है। तो भाई काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं और जो पिक्सल लॉन्चर है उसकी ऑप्टिमाइजेशन आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन की स्पीड आप चेकआउट कर सकते हो भाई, कोई भी इशूज़ आपको यहाँ पर नहीं आने वाले। रोम सुपर स्मूथ है एंड यहाँ पर आपको क्विक सेटिंग पैनल को पुल डाउन करने में भी लैग नहीं मिलेगा, कुछ इस तरीके से है। बट एक चीज़ बता देता हूँ, पिक्सल लॉन्चर की वजह से आपको थोड़ा बैटरी ड्रेन का इशू फेस करना पड़ सकता है, दैट्स वाई एवोल्यूशन एक्स में से इसको रिमूव कर दिया गया क्योंकि काफी सारे इश्यूज थे। तो देखोगे यहां पे थोड़ा मेरा बैटरी ड्रेन हुआ है और ये 2% तक इसने जो है कंज्यूम किया है। बट जब मैंने स्टार्टिंग में इस रोम को ट्राई किया था ना, जब मैंने इंस्टॉल किया तब ये कंजप्शन थोड़ा ज्यादा था बट उसके बाद ये रिड्यूस हो गया। एंड लेफ्ट साइड में जो गूगल कार्ड्स की ऑप्टिमाइजेशन आपको मिलती है वो आप देखोगे तो भाई यहां पे भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले। एंड ऑफकोर्स ये पिक्सल लॉन्चर है तो आपको यहां पे सिस्टम वाइड सर्च मिल जाएगा, तो यहां पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पे ये रिजल्ट्स आपको ये शो करने वाला है। इस रोम में जो आपको बाय डिफॉल्ट कैमरा मिलता है वो कैमरा यहाँ पे जी कैम मिलेगा, बट ये जो जी कैम है ये 8.4 बेस्ड है और ये शमीम वाला मॉड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 4K 60 FPS वीडियोस तक आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो, वैसे स्लो मोशन वीडियोस भी 1/8x तक वर्किंग है। आप LMC 8.4 को ट्राई कर सकते हो, जो भी आपके फोन में कैमरा है वो आप ट्राई कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ ये चीजें वर्किंग है। और कुछ इस तरीके से काफी ब्यूटीफुल आपको सेटिंग्स का UI मिलेगा जिसमें पिक्सेलाइजर है, हॉट बटन्स के ये ऑप्शंस हैं, देन जेस्चर्स के ऑप्शंस में आपको स्वाइप टू स्क्रीनशॉट मिलेगा और यहाँ पे 2 बटन 3 बटन है, पिल की लेंथ, जेस्चर एनिमेशन, स्पेस अंडर द कीबोर्ड है जिसको आप डिफॉल्ट या फिर नैरो कर सकते हो, या फिर हैप्टिक फीडबैक को इनेबल डिसेबल करने का भी ऑप्शन आपको मिलेगा और लॉक स्क्रीन में चार्जिंग इन्फो है, रिपल इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा और मिसलेनियस में आपको यहाँ पर नेटफ्लिक्स पूफ एंड एडवांस्ड रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलता है। बट यहाँ पे BGMI में 90 FPS का ऑप्शन आपको नहीं मिलता, ये चीज ध्यान में रखना। और यहां पे इनकॉल वाइब्रेशन ऑप्शंस प्रेजेंट है और थीम्स में आपको कस्टम थीम का ऑप्शन मिलेगा, तो जो भी पसंद हो वो आप ट्राई कर सकते हो। एंड क्विक सेटिंग्स में अगर आपको यहां पे चाहिए तो आप स्लाइडर्स में ना हैप्टिक्स को इनेबल डिसेबल कर सकते हो, लाइक अगर आप ब्राइटनेस को इंक्रीज करोगे तो आपको हैप्टिक फीडबैक फील होने वाला है भाई, और यहां पे जो ड्यूरेशन है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। बाकी फ्लूइड UI का क्विक सेटिंग स्टाइल इनेबल कर सकते हो, डेटा यूसेज का ऑप्शन आपको मिलेगा एंड स्टेटस बार में नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर मिल जाएगा और ये काफी अच्छे से वर्किंग है और बैटरी स्टाइल्स आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, बट वोल्टी आइकॉन की कस्टमाइजेशंस आपको नहीं मिलती। एंड एप्स में आओगे तो यहां पे कोई एक्स्ट्रा चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। बैटरी का स्टैट्स मैंने ऑलरेडी आपको चेक करवा दिया, यहां पे आपको कुछ इस तरीके से ये जो है पूरा डे का करेगा, जब आप इनके ऊपर क्लिक करोगे तो फर्दर ये आपको एक्सपेंड करके देगा चीजें और ये थर्मल प्रोफाइल्स आपको मिलती हैं। उसके बाद डिस्प्ले में आओगे ना, यहां पे आपको जो है काफी सारे चेंजेस और मिलेंगे, लाइक कलर्स के ऑप्शंस आप चेकआउट कर सकते हो एंड रिफ्रेश रेट का ऑप्शन है, टैप टू वेक वगैरह का ऑप्शन मिलेगा। वॉलपेपर एंड स्टाइल में पिक्सल लॉन्चर है तो भाई यहां पे मैक्सिमम ग्रिड्स 5x5 तक आपको मिलेंगे। उसके बाद यहां पे सिक्योरिटी की बात कर ली जाए तो आपको यहां पे जो है फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट दोनों मिलेंगे। सिस्टम में अपडेटर है तो आप यहां पे OT अपडेट्स को भी चेकआउट कर सकते हो। अब इस रोम में भाई 60 FPS तक का मैक्सिमम गेमिंग कर सकते हो जिसमें आपको कोई फ्रेम ड्रॉप्स मेजर नहीं फेस करने पड़ेंगे क्योंकि जो इमेंसिटी एक्स कर्नल है वो आपको 90 FPS में भी जो है काफी अच्छी
गेमिंग करवा देता है। ये हैंडल कर सकता है 90 FPS को, एंड यहाँ पे 60 FPS भी काफ़ी अच्छे से ये हैंडल कर लेता है। आपको कोई मेजर FPS ड्रॉप यहाँ पे नहीं फेस करने पड़ेंगे। इवन क्लोज रेंज में भी मेरे को कोई टचेस वगैरह के रिगार्डिंग या फिर कोई FPS ड्रॉप देखने को नहीं मिला। आप काफ़ी अच्छी गेमिंग कर सकते हो एंड डेफिनेटली इसको कंसिडर भी कर सकते हो, क्योंकि आई थिंक कुछ रॉम्स बची हैं जिनमें आपको पिक्सल लॉन्चर मिल जाता है, और ये रॉम भी उनमें से एक है जो कि पिक्सल बेस्ड है और पिक्सल लॉन्चर आपको मिलता है। सो इनकेस अगर आपको पिक्सल लॉन्चर चाहिए, पिक्सल बेस्ड रॉम चाहिए, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इस रॉम में काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करके जाना, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।